HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लैंड की नॉटिंघम सिटी में एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी से 20 साल तक रेप का मामला सामने आया है। करीब 51 साल के हो चुके आरोपी पिता रेमंड प्रेसकॉट को कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई मई 2017 से चल रही थी। 7 साल की उम्र में ही बेटी को पिलाने लगा था बियर। अब 31 साल की हो चुकी लायला बेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने साथ हुए जुल्म की दास्तां सुनाई। बेल ने बताया कि 1993 में जब उनकी उम्र 7 साल की थी, तब पहली बार क्रिसमस की नाइट में पिता रेमंड ने उनका रेप किया था। रेमंड ने उसे मुंह न खोलने की धमकी दी और इसके बाद यह सिलसिला आम हो गया। कुछ सालों बाद यह बात बेल की मां को भी पता चल गई थी, लेकिन उसने भी बेल को चुपचाप रहने की सलाह दी। बेल बताती हैं कि उम्र 7 साल की उम्र से ही पिता ने उसे बियर पिलानी शुरू कर दी थी और नशे की हालत में रेमंड उसका शारीरिक शोषण करता था। जब बेल 9 से 10 साल की हुई, तब तक रेमंड उन्हें बियर की जगह शराब भी पिलाने लगा था। रेमंड हमेशा बेल से कहता था कि उनके बीच का यह रिलेशन सीक्रेट है। बेल ने बताया कि परिवार में 5 भाई बहनों में से वे एक थी। रेमंड अक्सर बेल को स्कूल जाने से मना कर देता था। जब बाकी भाई बहन स्कूल चले जाते, तब रेमंड उनका रेप करता था।